वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल एस्पेक्ट नीलम में। आप देख रहे हैं जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं और सभी लोग सोच रहे हैं कि अपने जो गणपति जी हैं उन्हें घर लेके आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये करने से पहले हमें डेकोरेट करना है उनके लिए, वो जो स्पेस है, वो जगह है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाना है। तो आइए इस वीडियो में हम एक छोटा सा क्विक डेकोरेशन करते हैं और ये फिर गणेश जी के लिए, गणेश जी के स्वागत के लिए तैयारी करते हैं, कुछ छोटा सा डेकोरेशन करते हैं, अपनी श्रद्धा से, अपने आइडिए से कुछ प्यारी प्यारी सी चीज़ें लगाते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा जो स्टेज है ये छोटा सा रेडी करेंगे, जिसमें जो बिल्कुल ज़ीरो बजट है, इसमें कोई और इको फ्रेंडली भी है, जीरो बजट के साथ में इको फ्रेंडली भी है। तो आइए इस वीडियो में देखें, जरूर आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिल जाएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, DIYs हैं बहुत सारे इसमें और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, सो प्लीज़ वॉच। तो फ्रेंड्स, ये वो एरिया है जहाँ पर हमें ये गणेश जी का जो स्टेज है वो डेकोर करना है। इसके लिए मैंने एक बेस के लिए एक वाइट फैब्रिक लिया हुआ है, ये मेरा कुशन कवर है उसको लिया हुआ है और इसको नेल की हेल्प से हम यहाँ पे लगा देंगे। जो छोटी नेल्स होती हैं उनकी हेल्प से लगाना है, बहुत ईजीली लग जाता है और आपकी वॉल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ये मेरी बड़ी बेटी हेल्प कर रही है मेरी, तो इस तरीके से ये पूरी वॉल पर एक बैकअप, मतलब एक अच्छा सा बैकड्रॉप सा बन जाएगा, क्योंकि इस वॉल का कलर उतना क्लियर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब हम इसके आगे एक छोटा सा, मेरे पास एक टेबल है, उसको ऐड कर देंगे, आगे लगा देंगे। इस पर एक सुंदर सा पिंक कलर का फैब्रिक है, उसको डाल देंगे। अब हमें बैक में जो है इसको थोड़ा और डेकोरेट करना है। इसके लिए मेरे पास एक गोटे वाला जो है एक कपड़ा था, उसको हम लगा देंगे। अब इसको लेस से, इसमें नेल्स से हमने अटैच किया था, इसलिए नेल्स में ईजीली जो है ये लेस लग जाएगी बहुत ही आसानी से। ये देखिए, बहुत ही ईजीली लग जाने वाली है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये देखिए, इस तरीके से ये इसका बैकड्रॉप रेडी हो गया। अब हम कुछ पीछे की साइड में दुपट्टे से एक फ्लेयर देंगे। ये देखिए, आप डिफरेंट टाइप से भी दे सकते हैं, बट मैंने सो ईजी मैथड यूज़ किया है। और इस तरीके से यहाँ पर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको इस बैक पीछे वाले जो फैब्रिक से है उससे अटैच कर दिया है। अब ये जो है ऊपर से इसको पकड़ के यहाँ पे भी पिन से सेट कर देंगे। और ये देखिए जो अब लुक आने वाला है, ये देखिए, ये इस तरीके का लुक आएगा। अभी हमारा छोटा सा बैकड्रॉप रेडी हो गया है। अब हम इस दुपट्टे से एक कैनोपी थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। एक्चुअली मुझे कैनोपी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि जो पूजा वगैरह में है वो उस पर लुक बहुत अच्छा आता है। बस सिंपल सा काम करना है, एक दुपट्टे में डाई कर देना है और इसको हैंग कर देना है और इस तरीके से इस जो स्टूल है या टेबल है इसके चारों ओर इसको कवर कर देना है। मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब बहुत ही सुंदर लुक आता है, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन इसको यूज़ करती हूँ। ये देखिए, इसको अच्छे से सेट कर देंगे, ये रेडी हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा इको फ्रेंडली बन जाते हैं, थोड़े से फ्लावर और थोड़ी सी लीफ ऐड करते हैं। ये मैंने पीछे डबल स्टिकी टेप पहले से ही लगा रखी है। अब फटाफट उसको हटा कर और इस पर हम ये लीफ जो है स्टिक करते जाएंगे। ये अच्छे से यहाँ पर जो है लीफ को स्टिक कर देंगे पूरे एरिया में। अब हम यहाँ पर बहुत सुंदर सा लुक देने के लिए थोड़ी ग्रीनरी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपना एरिका बाम रखा हुआ है,
और इधर ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है जो आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। अब थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, एक फैब्रिक लेकर इसको बो जैसा लुक देंगे। ये लेस है, लेस को टाई कर देंगे और इस तरीके से ये बो बन जाएगी और इसको जो कैनोपी का जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, जैसे कि थोड़ा सा और जो है बहुत ही सुंदर लुक आ जाए। ये देखिए इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब हमारी गणेश जी की बारी है, गणेश जी की चौकी और गणेश जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे और ये जो एक फेरी लाइट है, जो सेल वाली लाइट है, उसको यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बैग में। अब यहाँ पर इसके आगे थोड़ा सा जो है ये स्टोन है, कलरफुल स्टोन है, उनको ऐड कर देंगे। आप किसी भी डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है आपके पास वो लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल स्टोन लगाए हुए हैं। इस तरीके से आगे इसको डेकोरेट कर देंगे और इन्हीं के आगे हम जो है ये जो गेंदे के फ्लावर्स हैं उनको भी रख देंगे। ये देखिए इसको किसी भी डिजाइन में रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली। अब ये जो DIY मटकीज है मेरी, इससे आगे डेकोर करेंगे। एक ही साइड में ये इस तरीके से ये DIY मटकी इनको रखेंगे। एक तरफ बाउल रखा हुआ है और एक तरफ मेरा वास रखा हुआ है और इसमें जो है ये लड़ियां हैं लीफ की और फ्लावर की, उसको ऐड कर देंगे। मोस्टली मैंने लीफ ही यूज़ करी है क्योंकि ये जीरो बजट में करना चाह रही थी, तो लीफ तो ईजिली बन जाती हैं, गेंदा वैसे ही बहुत कॉस्टली हो रहा है इस टाइम। ये देखिए इस तरीके से कुछ लोग आया है फिलहाल। अब एक ये DIY लाइट बनाई थी मैंने, बहुत ही ईजी है, इसको भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिएगा जाके। और इसके आगे जो है हमने फ्लावर से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लाइट है DIY, कुछ भी नहीं लगने वाला है इसको बनाने में, 5 मिनट्स में रेडी है। अब ये जो फेरी लाइट्स हैं कुछ और हैं, ये इनको ऊपर से कैनोपी के ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए जलने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है, लाइट जो है वो बिल्कुल चेंज कर देता है। अब अपना आसन बनाते हैं। ये मैंने साड़ी ली है अपनी और ये जो है इसको नीचे बिछा दिया है। इस पे आप कुशन ऐड कर सकते हैं या कुछ भी जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जो इधर उधर हमारे प्लांट्स हैं उसके चारों तरफ भी मैंने गेंदे के फूल लगा दिए हैं, जिससे वो बहुत थोड़ा सुंदर सा लुक आ जाए। हमें सुंदरता ही तो क्रिएट करनी है, मेन काम तो डेकोरेशन का ही है, लेकिन ये जो कॉर्नर है ये बहुत खाली खाली दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें भी हम रंगोली बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ्लावर से ही कुछ रंगोली टाइप का ही बनाया है। कुछ फ्लावर इसमें रखे हैं यहाँ पर और इसके आगे हम लीफ रख देंगे। आप किसी भी पैटर्न डिज़ाइन में रख सकते हैं इसको, पूरा कवर भी कर सकते हैं, गुलाब के फ्लावर से भी कर सकते हैं, इनको तोड़ के इनकी रंगोली बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा करिए, बस सुंदर दिखना चाहिए। और इसके ऊपर से हम जब ये बना लेंगे इसके बाद यहाँ पर एक दिया भी रखेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाला है। ये देखिए फाइनल लुक हियर, बहुत ही सुंदर लुक आया है, ये पूरा आ नहीं पा रहा है कैमरे में एक बार में। आई होप आपको ये लुक बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।